अगर आप देवी मानकर पूजा करोगे तो उलझ जाओगे, पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगा, पर आपसे हमसे पूजा पाठ नहीं होगा। पर आपने अगर सच्चे हृदय से माँ भवानी पराम्बा भगवती को अपनी माँ मान लिया तो फिर आप कैसे भी हो आपको माँ जगदम्बा स्वीकार कर लेगी। क्योंकि एक बात कह दें आपसे, जितने भक्त सुन रहे हैं दुनिया में इस कथा को, जाने कब योग लगेगा पुनः हमारे आपके जीवन में देवी पुराण में मां भगवती की चर्चा का, श्रवण करने का, वर्णन करने का। जाने कहां रंगरेज मिले और जाने कहां चुनर रंगे, ये कोई रोज थोड़ी तमाशा होता है। दुनिया का हर देवता आपसे आपकी तपस्या देख करके बात करेगा, भजन देख करके बात करेगा, पवित्रता और ज्ञान देख करके बात करेगा, पर मां भगवती के द्वार पे दिया आपने सच्चे हृदय से मां कह दिया और आंख में आंसू भर लिया और खड़े रह गए, तो ईमानदारी की बात, आप जैसे हो ऐसे मां आपको स्वीकार कर लेगा। कारण बताएं आपको, हर रिश्ता पिता काका मामा बड़ा भाई दादाजी, रिश्ते बहुत हैं पर हर रिश्ता एक एक सीमा है। समझ रहे हैं आप बात को? समझना, बच्चा साफ सुथरा है तो पिताजी भी उठा लेंगे, दादाजी भी उठा लेंगे, बड़ा भैया भी उठा लेगा। अच्छा पाउडर लगा है, काजल लगा है, टिकी लगी है, चुटैया बंदी है, अच्छा कपड़ा पहना है तो बच्चे को पड़ोसी भी उठा लेगा, मामा जी भी उठा लेंगे। पर ईमानदारी से बताओ, अगर बच्चा धूल में है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, कपड़े खराब करके आया है, तो पूरा घर में से कौन संभालेगा उसे? माँ। माँ का सिवा बच्चा गंदा होकर के आया है तो कोई भी नहीं संभालेगा। ऐसे ध्यान रखना, दुनिया में बहुत देवी देवता है, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, सबको मानते हैं, पर जब हार जाओगे जीवन में और लगेगा कि अब कोई नहीं संभाल रहा है, उस समय दोनों हाथ लंबे, जैसा बच्चा रोता है नहीं, दोनों हाथ फैला देना और भगवती के द्वार पे खड़े हो जाना। पक्की बात है, कोई संभाले नहीं संभाले, जगदम्बा तो जरूर संभाल लेगा, ऐसा देवी पुराण में वर्णन आता है।